जय हिंद दोस्तों। एक्स सर्विसमैन JCO और ऑफिसर के लिए भर्ती निकली हुई है। सभी पोस्टें जो वैकेंसी हैं ये पूर्व सैनिकों के लिए है। बता दें जो वैकेंसी निकली हुई है सिक्योरिटी ऑफिसर की, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, सिक्योरिटी गार्ड की, इसके साथ में और भी कई पोस्टें हैं। 60,000 तक JCO को सैलरी मिलेगी बिना कोई परीक्षा के। आप भर्ती होने का जबरदस्त मौका है। सबसे पहले बता दूं जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाली गई है और ये सभी भूतपूर्व सैनिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर महीने का ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें जो वैकेंसी है पहले मैं ऑफिसर की बता देता हूँ जल्दी जल्दी, इसके बाद JCO और OR की बताएंगे। सबसे पहले तो जो हेड ऑफ फैकल्टी की जो वैकेंसी है बेंगलोर में है। कई तरह की पोस्ट है जो कि तेलंगाना में है, जामनगर गुजरात में है, नागपुर में है, पैन इंडिया के लिए मैनेजर के पद पर बेंगलोर में भी वैकेंसी है। ये सारी पोस्टें ऑफिसर की हैं जिसमें इसमें सैलरी रहेगी 12 लाख रुपए सालाना से 40 लाख रुपए तक की सैलरी रहेगी सालाना। इसके बाद बात कर लेते हैं अब JCO और OR की जो वैकेंसी निकली हुई है। JCO एंड HCO के लिए जो वैकेंसी है इसमें CSO ASO की जो वैकेंसी है, JCO एनी डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। इसमें जो लोकेशन रहेगा कर्नाटक, जॉब लोकेशन रहेगा, 6 लाख रुपए एनुअल सैलरी मिलेगी। इसमें AWPO बेंगलोर से संपर्क करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि कंगारू इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। रिटायर्ड JCO 55 साल तक के ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। लुधियाना में जॉब लोकेशन रहेगा। 5.4 लाख रुपए सैलरी रहेगी। AWPO जालंधर से ये वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की सीमा लैब्स की वैकेंसी है। JCO डिप्लोमा डिग्री होल्डर मैकेनिक इलेक्ट्रिक और सिविल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो सेना का डिप्लोमा है वो इसके लिए वैलिड है। जो जॉब लोकेशन झारखंड रहेगा। 5.4 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO दानापुर से ये वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद ESM सीनियर ऑफिसर की 4 वैकेंसी हैं जो कि बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से निकाली गई हैं। 50 साल तक के JCO सेफ वन अप्लाई कर सकते हैं। नगाड़ा MP में जॉब लोकेशन रहेगा। 4.8 लाख रुपए सालाना सैलरी, एकमेंडेशन फ्री दिया जाएगा। इसमें बता दें AWPO भोपाल से ये वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद ऑपरेशन मैनेजर की 2 वैकेंसी हैं, श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाली गई हैं। 55 साल तक के एज वाले JCO अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नवी मुंबई में जॉब लोकेशन रहेगा। 4.56 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO पुणे से ये वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की 6 वैकेंसी हैं, नेक्टर लाइफ साइंस की तरफ से निकाली गई हैं। JCO ऑनरी रैंक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब लोकेशन रहेगा अंबाला रहेगा। 3.6 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट लॉ इंस्टीट्यूट में निकाली गई है। जो ऑफिस सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है 55 साल तक के JCO अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है। मोहाली में जॉब लोकेशन रहेगा। 3.17 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO चंडीगढ़ से ये वैकेंसी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं OR एंड NCOs की जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले तो टेक्नीशियन की 45 वैकेंसी हैं और ये वैकेंसी हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी में निकाली गई हैं। HMT इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक ट्रेड वाले इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। अवार्डी चेन्नई में जॉब लोकेशन रहेगा। 6 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी और इसके बाद AWPO चेन्नई से ये वैकेंसी मिलेगी। MTS एंड पेट्रोलिंग 320 वैकेंसियाँ हैं। रेलवे डिवीजन ट्रैफिक इंजीनियर की तरफ से निकाली गई हैं। एक्स सर्विसमैन 55 साल के अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना जरूरी है। ये जो लोकेशन रहेगा बड़ोदरा सूरत के बीच में आपका पेट्रोलिंग का काम रहेगा। 4.44 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO अहमदाबाद से ये वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड की 8 वैकेंसी हैं। बिलीव सॉल्यूशन सर्विस की तरफ से निकाली गई हैं। 50 साल तक के सेफ वन 10th पास एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। भोपाल में जॉब लोकेशन रहेगा। 3.36 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO भोपाल से ये वैकेंसी मिलेगी। आर्म सिक्योरिटी गार्ड की 10 वैकेंसी हैं। इनोवेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई हैं।
50 साल तक के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, विद गन लाइसेंस वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कालीकुट, कोच्चि और त्रिशूर में ये वैकेंसी का जॉब लोकेशन रहेगा। 3.31 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO त्रिवेंद्रम से ये वैकेंसी मिलेगी। फील्ड ऑफिसर ईस्टर्न सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से वैकेंसी फील्ड ऑफिसर की NCO के और OR के लिए निकाली गई है। सिपाही से लेकर हवलदार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होना जरूरी है। कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए। बेंगलोर में जॉब लोकेशन रहे और इसके लिए 3.12 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO बेंगलोर में जॉब लोकेशन रहेगा। इसके बाद फील्ड ऑफिसर हो गया ये, 10th पास होना जरूरी है। ERV ड्राइवर 700 वैकेंसी हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की तरफ से निकाली गई है। एक्स सर्विसमैन ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में जॉब लोकेशन रहेगा। 3.9 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO दानापुर से ये वैकेंसी मिलेगी। जेल पुलिस की 309 वैकेंसी निकाली गई हैं। एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में जॉब लोकेशन रहेगा। 2.4 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। AWPO दानापुर से ये वैकेंसी मिलेगी। तो ये वैकेंसी की डिटेल थी जो JCO OR ऑफिसर के लिए निकाली गई थी AWPO के थ्रू। AWPO के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है उसको अप्लाई करने का तरीका है AWPO में रजिस्ट्रेशन, साथ में 300 रुपये OR को फीस जमा करनी होती है और बाकी जो JCO होते हैं उनको 600 रुपये फीस जमा करनी होती है। इसके बाद आप AWPO में अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।